Hey guys, yeah, welcome back to the new amazing episode of Clash of Clans. So आप देख रहे हैं Clash of Clans Strategy channel भाई. So आज की वीडियो हम लोग आज की वीडियो भाई Clan War League के matchmaking पर होगी guys. So guys जो भी channel पर new है जल्दी सब्सक्राइब करो भाई channel को like करो video को. So आज हम अभी बात करें Clan War League के matchmaking का guys. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग का Clan War League का 6th वार चल रहा है गाइस. सो 7 out of 6 हम लोग ने यहाँ पर वार्स जीत लिए गाइस, वो भी फुल विक्ट्री के साथ जीते हैं गाइस. अभी 43 वार्स स्टार्स किए हैं हम लोग 6th वार में. फिर हम लोग आएंगे 5th वार में तो यहाँ पर 41 स्टार्स है गाइस. सो यार फिर यहाँ पर 4th वार में आएंगे तो 33 आएंगे, क्योंकि अपोनेंट बहुत ही टफ था यार और हम लोग के प्लेयर्स भी कुछ खास नहीं कर पाए थे इस वार में. फिर थर्ड वार की तरफ हम लोग चलेंगे तो ये भी बहुत बेहतरीन था हम लोग के लिए, 41 स्टार्स किए थे हम लोग ने. फिर यार सेकंड वार पर जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं हुआ था, 38 स्टार्स आए थे गाइस. फिर जब हम लोग का फर्स्ट वार आया था भाई, ये है क्लाइमैक्स, यहाँ पर हम लोग ने भी उतना कुछ नहीं कर पाए थे गाइस, 36 स्टार्स आए थे गाइस. मेरा बेस भी बहुत बेहतरीन डिफेंस किया था गाइस. रिप्ले देख लीजिए, अब यहाँ पर टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 9 हुआ था गाइस. ये टाउन हॉल 10 का बहुत बेहतरीन नंबर वन बेस है गाइस, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे क्लैन में आकर कॉपी भी कर ले सकते हो गाइस. यहाँ पर अपोनेंट ने लालून किया था मेरे बेस पर भाई, ये एंटी लालून बेस है लेकिन उसने लालून किया था. सो यार इस ब्ला 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 को साइड में रखेंगे, हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं गाइस, जो कि आज का मुद्दा है भाई क्लैन वॉर लीग का मैच मेकिंग का भाई. सो गाइस अगर आप एक लो लेवल के क्लैन के प्लेयर हो, जैसे कि हम लोग अब लेवल 3 का क्लैन है तो डोनेशन प्रॉब्लम होती है गाइस, इसमें बहुत ही मिसमैचिंग हो रही है गाइस क्लैन वॉर लीग में. तो रिसेंटली अपडेट आया था यहाँ पर, जैसे आप लोग ने देखा हो गया नहीं, यहाँ पर फेयर प्ले का यहाँ पर सुपर सेल ने यहाँ पर एक अपडेट दिया है. अभी आया नहीं अपडेट है लेकिन आएगा गाइस, फेयर प्ले का अपडेट आया है यहाँ पर. नेक्स्ट वार से हम लोग को फेयर अपोनेंट मिलेगा, मिसमैचिंग नहीं होगी गाइस. तो यार गाइस हम लोग को बहुत ही मिसमैचिंग हो रही है यहाँ पर. और आप लोग एक चीज़ बता दूँ, आप लोग क्लैन वॉर लीग में प्लेयर्स भी चेंज कर सकते हो गाइस. यार उससे पहले आप लोग को एक बात जान लीजिए कि अगर आपको ये सेटिंग्स करनी है तो आप लोग को क्लैन वॉर लीग में साइन अप करना बहुत ज़रूरी है गाइस. साइन अप करने के बाद ही आप लोग ये कर सकते हो, और साइन अप करने के बाद भी आप ये नहीं कर सकते हो गाइस, क्योंकि आप एल्डर या मेम्बर होंगे तो नहीं कर सकते हो. सो अगर आपको इस सेटिंग्स को चेंज करना है, इसे वंस एक्सपीरियंस करना है, तो गाइस आपको कोल्डर या लीडर होना ज़रूरी है कंपलसरी. जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, बैटल डे जब स्टार्ट होता है आप लोग सेटिंग्स में चेंज नहीं कर सकते प्लेयर्स को, लेकिन जो अपकमिंग वार है अभी 12 मिनट्स में नेक्स्ट वार स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का. यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा अपकमिंग वार है. तो यार गाइस प्लेयर्स ने अभी डिफेंस में कुछ नहीं दिया है यहाँ पर खास. सो आप डोनेट भी कर सकते हो, एक बार बैक साइड आपका बैटल डे चलता है, फिर जो कि नेक्स्ट बार आएगा उसका प्रिपरेशन डे जब ही चलता है गाइस. तो आप लोग को डोनेशन देना ध्यान में रखना पड़ेगा यार. सो गाइस यहाँ पर अभी हम चेंज करें नेक्स्ट अपकमिंग प्लेयर्स को. सो जब यहाँ पर एक आप ब्लू कलर का बटन दिख रहा है गाइस, यहाँ पर एक होम प्लस माइनस का बटन है, चेंज मेंबर्स इस पर लिखे वाला है. आप इसको क्लिक करेंगे तो भाई आप लोग देख सकते हो हम लोग ने 17 मेंबर्स को इंक्लूड किया है वार में. हाँ भाई 17 मेंबर्स को वार में इंक्लूड किया है हमने. सो 17 out of 15 प्लेयर्स आप ले सकते हो गाइस. सो अभी हम लोग खुद को क्लैन वार लीग से आउट करेंगे भाई. जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नंबर 11 पर मैं अभी हूँ गाइस. सो अभी मैं खुद को ही क्लैन में से निकाल दूंगा वार में से. सो यहाँ पर मेरा ग्रीन कलर का दिख रहा है गाइस, यहाँ पर इन है, वार प्रेफरेंस इन है. सो आउट कर देंगे हम लोग, और आउट करके जिससे दूसरा प्लेयर है जो कि यहाँ पर COC हैकर है उसको इन करेंगे भाई, इन कर देंगे. फिर यहाँ पर कन्फर्म का बटन दिखेगा आपको, कन्फर्म दबा देंगे तो खत्म गायब. तो गाइस 11th पोजीशन पर हम लोग थे, यहाँ पर हम लोग डिसअपियर हो चुके हैं, COC हैकर आ चुका है हम लोग की प्लेस पर. तो गाइस ये ऐसे आप लोग कर सकते हो वार में, प्लेयर्स को चेंज भी कर सकते हो गाइस, अगर आप कोलीडर हो या लीडर हो अपने क्लैन के तो ही चेंज कर सकते हो आप. सो फिर से हम लोग अपनी ID को यहाँ पर एक्टिव कर देंगे गाइस वार में. सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेड है हम लोग का सिग्नल, इन कर देंगे. फिर जो कि COC हैकर था उसको आउट कर देंगे, कन्फर्म दबाते ही गाइस हम लोग फिर आ गए भाई, देखो अपने ओरिजिनल पोजीशन में. सो गाइस और एक बात जान लीजिए कि अगर आपको
क्लैन वॉर लीग में वार अटैक्स नहीं कर सकते गाइस, या आप किसी कारण गेम नहीं खेल सकते, तो आप लोग को साइन अप करके आप छोड़ भी सकते हो। एक भी बार अगर आप नहीं खेलोगे तो आप लोग को क्लैन वॉर लीग के मेडल्स मिल जाएंगे। सो भाई फ्री में मेडल्स पाने के लिए आपको साइन अप करना बहुत ज़रूरी है इस क्लैन वॉर लीग में। और आप गोल्डर हो तो ही ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हो भाई, अगर आप कोई एल्डर हो या मेंबर हो तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यार ऐसे रहा तो कोई भी आएगा वार में जाएगा और सेटिंग्स चेंज कर दिया, ख़ुद को वार में ले लेगा गाइस, ऐसा नहीं होगा ना, ये तो अनफेयर हो जाएगा। सो फेयर करने के लिए क्लैन वॉर लीग को क्लैश ऑफ क्लैंस वालों ने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग को दिए हैं गाइस, इसको हम लोग को फॉलो होना पड़ेगा। और यार जो भी बॉट और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस चलाने के लिए, अब उनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी गाइस। आप भी कोई बॉट यूज़ करते हो तो भाई उसे ख़त्म कर दीजिए लीग। अगर आप बॉट यूज़ करोगे तो आप लोग का क्लैन 2 मंथ्स के लिए बैन हो सकता है गाइस, और आपकी आईडी भी परमानेंटली बैन हो सकती है। सो गाइस ये बातों को ध्यान में रख के क्लैश ऑन करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए भाई। हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।